लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ डिसिप्लाइन को, उसका जो हमारा पहला टॉपिक था हमने स्टार्ट किया था कर्म से। कर्म क्या होता है, कर्म की क्या रिप्रेजेंटेशन है, कर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज। तो दूसरे स्टेप में हमने डिस्कस किया था पॉलीनोमियल को, कि पॉलीनोमियल क्या है, उनकी कितनी टाइप्स हैं, और फिर हमने एक स्पेशल पॉलीनोमियल डिस्कस किए थे बस टाइम पॉलीनोमियल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेजियर कर्व, कि बेजियर कर्व क्या है, व्हाट इज बेजियर कर्व। बेसिकली जब हम बेजियर कर्व को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास कोई कंट्रोल पॉइंट्स हैं, कोई सिक्वेंस हम लेते हैं पॉइंट्स की, सपोज हम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट्स हैं, तो सपोज P0, P1, P2, P3। तो ये जो हमारे पास पॉइंट की सीक्वेंस है, कंट्रोल पॉइंट्स का वर्ड मैंने यूज़ किया है, या इसको दूसरा नाम क्या है, इनिशियल पॉइंट्स। अब इससे रेलिवेंट एक टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वर्ड हम यूज़ करते हैं पॉलीगॉन का। पॉलीगॉन्स की हमारे पास क्या होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास क्या होती है ओपन, और एक हमारे पास क्या होती है क्लोज पॉलीगॉन। तो हमने कहा था कि हमारे पास जो कर्व थे, कर्व को हमने रिप्रेजेंट किसी से क्या था, पी ऑफ टी। पी ऑफ टी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, पी ऑफ टी हमारे पास बराबर थी। हमने कहा था कि जो हमारे पास पी ऑफ टी है वो बराबर है समेशन, हमारे पास जो वेरिएशन है, हमारे पास अगर हम सपोर्ट पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है फिक्स नहीं होते, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, जस्ट नोटेशन हैं। अब मैं यहाँ पे आई की वेरिएशन जीरो से आई, एन की वेरिएशन जीरो से आई तक भी कर सकता हूँ। पी आई के बजाय मैं अगर पॉइंट कहता हूँ कि मेरे क्या है, एफ आई है, या मैं कोई और चीज़। समझने वाली बात यह है इसके अंदर कि उसकी जो वेरिएशन है, सपोज हम आप कहते हैं कि आई है, आई हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, जीरो से एन तक आई की जो वेरिएशन है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, पी आई हम कर देते हैं, ठीक है। अब पी आई हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कंट्रोल पॉइंट जिनकी हम बात कर रहे थे। और फिर हमारे पास क्या था, बी आई एन ऑफ टी। अब इसमें बी आई एन ऑफ टी क्या है, फर्स्ट टाइम पॉलीनोमियल। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट टाइम पॉलीनोमियल है बी आई एन ऑफ टी, आई की वेरिएशन हमने क्या कहा, जीरो से एन तक, जो हमारे पास फर्स्ट टाइम पॉलीनोमियल हैं उनका ऑर्डर क्या होगा। अब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि बी आई एन ऑफ टी जो पॉलीनोमियल्स हैं उसके में जो कांस्टेंट की तादाद होती है वो क्या कहलाती है, ऑर्डर कहलाती है। एन बेसिकली उसकी क्या है, डिग्री है, एन प्लस वन। तो उसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो कितने होंगे, एन प्लस वन, यानी जीरो से एन तक जब हम उनको काउंट करेंगे तो उनकी जो जो ऑर्डर है वो क्या बनेगा, एन प्लस वन। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, और जो हमारा बेजियर कर्व है उसका जो ऑर्डर है या उसकी जो डिग्री है वो नंबर ऑफ पॉइंट पे डिपेंड करती है। कि हमारे पास सपोज हमने चार पॉइंट की बात की है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, फोर, और डिग्री क्या होगी, थ्री। ऑर्डर और डिग्री के दरमियान में एक फ़र्क होता है, ठीक है। बाद जब हम बात करते हैं क्यूबिक बेजियर कर्व,
ठीक है, क्यूबिक पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल आप डिस्कस कर रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक का जो वर्ड यूज हो रहा है क्वाड का, ठीक है ना, वो उसकी डिग्री क्या होगी, टू, और ऑर्डर क्या होगा, तो यही अगर हम क्यूबिक की बात करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम पॉलीनोमियल है वो डिपेंड कर रहा होता है किस चीज़ के ऊपर, नंबर ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये जो पॉलीनोमियल्स हैं, जिस तरह हमारे पास बर्नस्टाइन पॉलीनोमियल्स हैं या ये जो पॉइंट्स हैं, जब हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह होती है, ऑर्डर्ड पेयर में होती है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा सा रिलेशन का पता हो, आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन, तो अब दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं यूजुअली, बेसिकली जब हम डिस्कस करते हैं सेट थ्योरी को तो उसके अंदर हम सबसे पहले फंक्शन और रिलेशन, इनका फ़र्क डिफाइन करते होते हैं। रिलेशन क्या होता है, जब आप किसी दो सेट का प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, उनका जो हर सब सेट है वो क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। जबकि फंक्शन क्या होता है कि वो जो रिलेशन है उसके ऊपर आप स्पेसिफिक वैल्यू चेक करते हैं, बेसिकली जिसे हम वर्ड फंक्शन कहते हैं उसकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, तो मैथमेटिकली काफ़ी सारे लोगों से मैं पूछ लेता हूँ कि फंक्शन है क्या चीज़, और जो मेरा पूछने का अंदाज़ होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं उसमें जब बच्चों से बात कर रहा होता हूँ फंक्शन के बारे में, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले एलर ने वर्ड फंक्शन जो था वो यूज़ किया था या फाउंड किया था, तो उसने कहा था कि जब आपके पास एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो वो क्या कहलाती है, फंक्शन कहलाती है, डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू एन अदर क्वांटिटी। और उसके अलावा जब हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं मैथमेटिक्स, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम उनको क्रॉस प्रोडक्ट बताते हैं, फंक्शन का वर्ड मैट्रिक्स के बच्चों को बताया जाता है सबसे पहले, तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं, कोई रिलेशन लेते हैं, और हम कहते हैं ये जो रिलेशन है फंक्शन है, अगर उसकी जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल हो, दो सेट की बात कर रहे थे ना, एयर भी सपोज हम कर लेते हैं, और उसकी जो रेंज है, ठीक है, सेट बी के इक्वल भी हो सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन उसके जो रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट है, पहला पहले कंडीशन के ऊपर ये होती है कि उसकी जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल हो, और दूसरा जो उसका हम उसमें डिस्कस कर रहे होते हैं वो हम ये डिस्कस करते हैं कि है डिस्टेंट एलिमेंट, उनके अंदर रिपीटेशन ना हो, ठीक है। जब ये दो बातें हमारे पास आ जाती हैं, पहले पहले तो हम कहते हैं कि कम से कम एक रास बी में रिलेशन हो, पहले नंबर पे रिलेशन होगा तो फंक्शन बनेगा, फिर हम कहते हैं कि उस रिलेशन की जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर हो, फिर आपके हम क्या कहते हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर हमने लिया होता है उसकी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डिस्टेंट हो, अगर वो डिस्टेंट नहीं होंगे तब भी हमारा फंक्शन नहीं होगा, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर हम कह देते हैं फंक्शन है, अगर उसकी जो रेंज है वो सेट बी के बराबर हो तो हमारा क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, अदरवाइज क्या होता है, इन टू फंक्शन। और ये जो हमारी डिस्कशन है उन लोगों के लिए होती है जिनको हम मैट्रिक के लेवल पर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे होते हैं, जब हमारे पास बच्चे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आते हैं या फिर बीएससी में आते थे, फिर हम क्या कहते थे, ए रूल विच असाइन द ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, हम
सेट को क्या कर लेते थे, उनकी रोटेशन सेट वाली नहीं रखते थे। हम कहते थे कि हमारे पास क्या है, उस वक्त जब हम कहते थे कि ये हमारे पास क्या है, सपोज ए है, ये हमारे पास क्या है जी, हम कहते थे कि हमारे पास क्या है जी, बी है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1, 2, 3 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, ए बी सी, ठीक है। अब हम उनकी मैपिंग देखते हैं, अगर हम इसको इस तरह मैप कर देते हैं, सपोज तो ये हमारा फंक्शन होगा नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा फिर हम क्या करते थे, अगर हम इसको इससे मैप कर देते नहीं होगा, नहीं होगा। अगर हम इसको इससे कर देंगे, ये हम कहते हैं कि इस तरह वन और आम जो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह हम उनको कुछ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक मैं उनको बता देता हूँ। अब मेरा आप लोगों से भी क्वेश्चन है कि हम कह रहे होते, मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है ना, जबकि y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट, ये ओवरऑल फंक्शन नहीं है। क्यों? तो इसमें आप लोगों ने फिर बताना होता है कि फंक्शन क्या है। जब हम इस बात पे आते हैं तो फिर आगे से जवाब मिलना बंद हो जाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन वही है, जब एलन ने सबसे पहले इसको डिफाइन किया था तो उसने जो कंसेप्ट हमें दिया था, कंसेप्ट वो कुछ इस तरीके से था। हम वो उन्होंने बात की थी, एक स्क्वायर ली थी उसका, उन्होंने क्या कहा कि जो एरिया है, ठीक है, अब आपके पास अगर कोई स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका जो साइड क्या है, एक्स है, तो ए किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है, ऐसे है ना। एरिया क्या है, साइड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हम हमारी डिस्कशन थी ऑर्डर्ड पेयर पे, कि ऑर्डर्ड पेयर की हम बात कर रहे थे, ठीक है। रिलेशन हम बाइनरी रिलेशन की बात कर रहे थे, बेसिकली रिलेशन मीन बाइनरी रिलेशन। अगर हम बात करेंगे बाइनरी से टर्नरी रिलेशन की, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, कोई बता सकता है? हम अगर किसी से बात करते हैं कि हमारे पास रिलेशन जो है वो क्या है, टर्नरी रिलेशन है, यानी उसके अंदर क्या होंगे, ऑर्डर ट्रिपल होंगे, उसके अंदर यूँ समझें कि 3 डायमेंशन की बात होगी, समझ आ रही है ना। तो बेजियर कर्व को जब हम डिस्कस करते हैं यूजुअली, अब हम कहते हैं कि हमारा जो कर्व की बात है, तो कर्व के लिए यूजुअली हम क्या यूज़ करते हैं, 2 डायमेंशन यूज करते हैं। क्या अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि कर्व को हम 3 डायमेंशन में भी ड्रा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसकी आपको एग्जांपल दे सकते हैं। कर्व को अगर हमने तो आप में से मेरा एक क्वेश्चन है, वैसे पहला तो क्वेश्चन ये कि क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम कर सकते हैं तो फिर कैसे, उसकी कोई एग्जांपल। तो इधर से किसी ने कहा था कि हम कर्व को 3 डायमेंशन में ड्रा कर सकते हैं, तो मेरा उनसे क्वेश्चन है कि वो मुझे कोई एग्जांपल दे दे। मुझे लग रहा है कि शायद एग्जांपल लोग देना नहीं चाह रहे, या फिर उनके पास कोई एग्जांपल है नहीं। तो तो उसकी कर्व की स्पेसिफिक एग्जांपल दें ना। अब एक्स प्लस वाई प्लस जी अगर हम किसी बंदे को कहेंगे तो वो हमें क्या कहेगा, उतनी क्या कह रहा है, ये लीनियर सा एक लाइन होगी जो 3 डायमेंशन है। अच्छा ये जो, ठीक है, तो बेसिकली कोई स्पेसिफिक एग्जांपल जिसको हम कोट कर सकें। आप बताएं हम कर्व को ड्रा कर सकते हैं 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में? तो मैंने कहा कि मोस्टली हमारे पास इतने भी कर्व हैं, या यूजुअली जब हम कर्व की बात करते हैं
तो उसका मतलब ये होता है कि हम टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कर्व है, जिस तरह हेलिक्स है, स्प्रिंग की मिसाल ले लें, बेसिकली कर्व होता है ना, लेकिन वो होता क्या है, थ्री डायमेंशन में स्पिरल को, या इस तरह के और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो आप लोगों से कल मैं दोबारा डिस्कस में पूछूंगा कि कर्व की थ्री डायमेंशन में जितने भी कर्व हैं उनकी मुझे एग्जाम्पल आप लोगों ने बतानी है कि थ्री डायमेंशन में कितने कर्व हैं, और फिर एक छोटी सी असाइनमेंट भी होगी मेरी तरफ से कि जिस तरह हमने एक स्क्वायर ली थी उसके पॉइंट्स लिए थे, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना कि सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है, यहाँ पे हमने कहा था कि पी जीरो जो है वो बराबर है किस चीज़ के, जीरो जीरो के, हमने कहा था पी क्या है, वन जीरो, पी टू जो है, पी वन जो है, पी टू वाला जो पॉइंट है वो क्या है जी, वन वन, और पी थ्री जो है वो हमारे पास क्या है, जीरो वन, ठीक है। अब इस तरह हमने ड्रा किया, सपोज अगर हमारे पास कोई स्प्रिंग है या हेलिक्स है तो उसके लिए हम उसको कैसे उसके पॉइंट लेंगे, ये आप लोगों ने मुझे आप लोगों ने बताना है, घर जाके सर्च करना है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आपने कोई अच्छे इनिशियल पॉइंट्स लेने हैं जो इसी तरह हमारे पास एग्जिस्ट करते हों, ताकि आप मुझे समझा सकें, या जिस तरह क्यूब एक है, ठीक है, तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो मुझे आप लोगों ने लेके देने हैं। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि हमारे पास क्यूबिक्स क्या होते हैं, बेसिकली इसको ऐसे बनाते होते हैं ना कि ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, है ना, तो इसी तरह हमारे पास बनती है, क्या बनती है, मुझे ऐसे है, ठीक है, तो थोड़ा सा सिमेट्री उसमें शायद नहीं है, तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि क्योंकि मेरे पास वो नहीं थी, कह सकते हैं कि स्केल नहीं था, तो मैंने एक रफ क्यूबिक्स बनाई है, तो आप लोगों ने मुझे उसके जो इनिशियल डेटा है या इनिशियल पॉइंट्स हैं वो मुझे बताने हैं कि क्या है, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको लेके जाना है रिसर्च की तरफ, उसके लिए आपकी जो बेसिक्स है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ये नहीं है कि जस्ट नोट्स पकड़े उनको रटा लगाया और फिर क्लास में आ गया, तो उससे मेरे ख्याल में लर्निंग कम होगी, रटा ज़्यादा होगा। आज तो हम डिस्कस कर रहे थे किस चीज़ को, बेजियर कर्व को, तो बेजियर कर्व को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमारे पास जो क्यूबिक बेजियर कर्व है